अभी महंगे टमाटर के बोझ से लोग उभर भी नहीं पाए थे कि प्याज की कीमत ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। नवरात्रि खत्म होने के साथ ही प्याज की कीमत रॉकेट की रफ्तार से भागने लगी है। जो प्याज एक हफ्ता पहले 20 से 25 रुपए किलो तक बिक रहा था, अब वो 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। यही हाल रहा तो आने वाले कुछ दिनों में प्याज की कीमत में तकरीबन 100 रुपए की पार पहुंच जाएगी। प्याज की बड़ी कीमत से लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि लंबे वक्त तक टमाटर के बड़े दामों की वजह से घर का बजट बिगड़ गया था, जो अब तक ठीक हो भी नहीं पाया है। अब प्याज की महंगाई भी रुलाने लगी है। प्याज की कीमत में आई इस तरह की तेजी के पीछे वजह क्या है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सब्जी विक्रेताओं की माने तो बाजार में प्याज की कमी है, जिसका असर उसके दाम पर पड़ रहा है। अगले महीने तक बाजार में नया माल आ जाएगा, नए माल के आने तक प्याज की कीमत कम होने की उम्मीद नहीं है। प्याज की आवक कम होने की वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है। जो प्याज अभी हफ्ते दिन पहले 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा था, अचानक उसकी कीमत लगभग 80 रुपए के पार हो चुकी है। हालात ये है कि सरकार की कोशिशों के बाद भी प्याज की कीमत में नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। दिवाली से पहले प्याज की बढ़ती कीमत ने लोगों के घर के बजट को हिलाना शुरू कर दिया है। हालांकि उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार प्याज की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। प्याज की कीमत में आई तेजी के पीछे एक वजह इसकी पैदावार पर पड़ने वाला असर भी है। मौसम की मार का असर प्याज की खेती पर पड़ा है। आपको बता दें कि प्याज का उत्पादन 14,82,000 मैट्रिक टन कम हो गया है, जो कि साल 2022-23 में 17,41,000 हेक्टेयर था, वहीं साल 2021-22 में 19,41,000 हेक्टेयर था। यानी साल दर साल प्याज की पैदावार में कमी आ रही है। इतना ही नहीं, प्याज की कीमत में आई तेजी के पीछे एक बड़ी वजह पैदावार का लेट होना भी है। प्याज की सबसे ज्यादा पैदावार महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में खरीफ सीजन का प्याज एक महीने लेट हो गया है। मानसून की बारिश में देरी की वजह से खरीफ सीजन का प्याज बाजार में नहीं आया है। इस देरी की वजह से प्याज की कीमत में तेजी आई है। तो आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, आपके शहर में आपके क्षेत्र में प्याज का क्या भाव है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक, ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामती।